हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे पाई बॉय चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज ये मेरे पास एक बोर्ड आया है, यूनी हाइकर डीएफ रोबोट का। ये बोर्ड है, डीएफ रोबोट्स की तरफ से बना हुआ एक बोर्ड है। एक आर्डिनो की तरह ही ये काम करता है। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसका एक बार अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो। अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, इसलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मतलब पहले एक बार अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या आपको क्या आपके फंक्शनैलिटीज है, आपको क्या यूज, मतलब जो भी है इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, आपके किस काम का है, एंड ये सब आपको मैं जल्दी ही आपको वीडियो में बताता हूँ। जब तक आप अनबॉक्सिंग वीडियो एंजॉय करो। तो अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आ जाओ इस बॉक्स को, अभी ये जो खोल चुका हूँ मैं, इसको काफी टाइम से, अभी 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ। एंड आपके लिए क्या चीज, मतलब इसमें बेस्ट है, आपके किस काम का आ सकता है ये, आप उसको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेन आपको, आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा ये इसके अंदर मेन बोर्ड है। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कनेक्टर्स मिल जाते हैं इसके साथ के। इसमें आपको कुछ कुछ IoT डिवाइसेस मिलते हैं जो कि आपको इसके सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। साथ में आपको ये केबल्स इंक्लूडेड मिलती है। जैसे IoT डिवाइसेस में आपका लाइट हो गया, सेंसर्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, वो सब आपको इस केबल से कनेक्ट करने का वो ऑप्शन मिलता है। एंड आपको यहाँ पे एक USB Type-A2 या USB Type-C की केबल मिलती है। ओपन इट आपको। तो ये USB Type-A2 USB Type-C की आपको ये केबल मिलती है। तो चलो फिर, यहाँ पे आपको मैनुअल मिलता है, यूनी हाइकर यूजर मैनुअल। यहाँ पे आपको कैसे कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये सब चीजें जब आप खरीदोगे या फिर आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ये आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। यहाँ पे एक आपको कनेक्ट करने के लिए आपको IP एड्रेस मिलता है कि आपको सिंपली एक अपना अपने इस केबल से कनेक्ट करके बोर्ड को, एंड इस IP एड्रेस पे 10.1.2.3 पे जाके आप इसको सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इन स्पेसिफिकेशन दिखाई हुई है, ये दिखाता हूँ आपको। ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये बोर्ड कैसा है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या इसमें माइक्रो, यानी यहाँ पे MicroSD कार्ड है, USB पोर्ट है, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप का सेंसर है, यहाँ पे बजर लगा हुआ है, IO पिंस है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, 12C कनेक्टर है, लाइट सेंसर है, माइक्रोफोन है, ब्लूटूथ एंटेना है, पुश बटन है, यहाँ पे भी एक होम बटन है, यहाँ पे टच स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो एच कनेक्टर है। तो अब इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं एंड चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये भी साइड कर दूँ मैं, और अब एक बार साइड कर देते हैं एंड आपको ये खोल के दिखाते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपका ये बोर्ड है, टच स्क्रीन पैनल है, ये टच स्क्रीन पैनल है। आपको इसका जो साइज है, मैं एक बार आपको एक कंफर्म कर देता हूँ कि इसका साइज आपको कितना मिलता है। चलो वो तो मैं आसपास आपको मेंशन कर दूंगा कि आपको क्या साइज मिल रहा है। हाँ, सो इसका जो स्क्रीन साइज है 2.8 इंचज का, ये 2.8 इंचज का ये स्क्रीन साइज है, 240x320 पिक्सल्स के साथ टच स्क्रीन डिस्प्ले ये है। तो एक बार आपको स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ इसकी। यहाँ पे आपको रॉक चिप लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये रॉक चिप का प्रोसेसर है, ये क्वाड कोर आर्म प्रोसेसर है, कॉर्टेक्स के A35 कोर्स इसमें लगे हुए हैं, अप टू 1.2 GHz का आपको इसमें क्लॉक स्पीड मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रैम मिल रही है, ये वाली चिप आपको 512 MB की रैम है, एंड एक यहाँ पे एक आपको चिप दिख रही होगी, ये 16 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, EMMC स्टोरेज। बात रही इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें आपको मिल जाता है डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टच सपोर्ट करता है। ये वाली, ये यूनी हाइकर की टीम ने ही डेवलप किया है। एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2.4 GHz का वाईफाई मिल जाएगा एंड ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा 4.0। मैंने आपको स्क्रीन के बारे में बता ही दिया है, 2.8 इंच की स्क्रीन है, टच स्क्रीन स्क्रीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बटन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो फंक्शनल बटन मिलते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, एंड यहाँ पे आपको एक होम बटन मिलता है।
एंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक होम बटन मिलता है, ये होम बटन हो गया। अब आ जाते हैं पोर्ट्स के मामले में। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फुल साइज यूएसबी टाइप ए पोर्ट यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला पोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रो एसडी कार्ड के लिए है। ये वाला पोर्ट माइक्रो एसडी कार्ड के लिए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी मिल रहा है, ये आपको पावर इन भी सपोर्ट करेगा एंड इसको कन्फिगर करने के लिए भी सपोर्ट करेगा। यहाँ से आप इसको कन्फिगर भी कर सकते हैं, पावर इन करके इसको रन भी कर सकते हैं। एंड बात रही पावर की, ये सपोर्ट करता है 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, मतलब 10 वॉट का टोटल, 10 वॉट का ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सब कुछ कर सकते हो। अभी मैं आपको और डीप स्पेसिफिकेशन देता हूँ क्या क्या इसमें आप कर सकते हो, एक बार इसको ऑन करके आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो के साथ बने जरूर रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। मैं कहता हूँ मतलब आप इसको 1.5 की स्पीड पे करके आराम से वीडियो को देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। सो यहाँ पे आपको साइज जो है, ये ओवरऑल जो आपका ये साइज है वो है 51 mm by 83 mm एंड 13 mm की इसकी ये है थिकनेस। तो ये हो गई हमारी इसकी बात कि आपको इसमें ओवरऑल हार्डवेयर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ और मीन्स मिलते हैं इसके लिए अलग, इनका कुछ डिवाइस आता है वो मुझे अभी पता नहीं, आई डोंट नो वो उसका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, तो वीडियो में कहीं आपको दिखा दूंगा। इसके लिए ये आपको कुछ पोर्ट्स, यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिलते हैं। ये सब आपके सेंसर्स एंड मॉड्यूल्स को सपोर्ट करेंगे। आप एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ और सॉफ्टवेयर की तरफ आपके इसमें आगे बढ़ते हैं। सीधा सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या कैसे कैसे मिल जाता है एंड ये आपके किस काम का है। ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप एक पेरेंट हो एंड आपका अगर बच्चा 4th-5th class में है तो मस्ट श्योर चीज़ है ये, आप अपने बच्चे को दें एंड उनको सिखाएं कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है एंड प्रोग्रामिंग IoT क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो सब आप सिखाओ बच्चों को। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगा मुझे ऑन द इंटरनेट। मैं देखो काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें करता आ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगा, यूनिहाइकर का ये बोर्ड। बच्चे बहुत ज़्यादा इससे सीखेंगे कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है एंड IoT क्या होता है, IoT काम कैसे करता है। ये यहाँ पे बोर्ड ऑन हो रहा है, ये देख सकते हो ये बोर्ड ऑन हो रहा है, बोर्ड को ऑन होने देते हैं। अब आप इसके प्रोग्रामिंग के बारे में आपको इस बार बता देता हूँ, ये पाइथन आपको सपोर्ट करता है, पाइथन में प्रोग्रामिंग इसमें आप कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा रहा है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, बाकी बटन से भी काम करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बटन पुश कर रहा हूँ तो बटन से भी ये काम कर रहा है एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले है। यहाँ पे देखो टच मैं कर रहा हूँ तो टच भी काम कर रहा है ना। सो सीधा आ जाते हैं, एक बार आपको सैम्पल प्रोग्राम दिखा देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। डेमो में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कोड रेन की फाइल। ये सब आपको डेमो में पाइथन की फाइलें आपको मिलेगी कि आप ये सब फाइल्स हैं इसको आप कर सकते हो। एंड आगे वीडियो में बताता हूँ कि इसको प्रोग्रामिंग के लिए आपको एक एनवायरनमेंट अलग से मिलता है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको DF रोबोट वाले प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें एंडलेस पॉसिबिलिटीज है आप इसमें जो कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको अराउंड 7 सैंपल्स आपको मिलते हैं, प्रोग्राम सैंपल्स हैं ये। यहाँ पे जैसे स्प्लिट लेवल है, स्प्लिट लेवल के मैं इसको प्रोग्राम को चला के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चलता है। देखते रहिएगा वीडियो में, बने रहिए। हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए आपको कि क्या चीज हो रहा है। यहाँ पे जायरोस्कोप सेंसर और एक्सेलेरोमीटर आपको इसमें यूज हो रहा है, ये जो ये सेंस कर रहा है ये जायरोस्कोप सेंसर के वजह से यूज कर रहा है, जो कि आपको बैक साइड में यहाँ पे ये छोटा सा आप देख रहे हो ना ये वाला, ये जायरोस्कोप सेंसर है। यहाँ पे LED इंडिकेटर लाइट्स भी लगी हुई है, ये भी आप देख लीजिए। तो ये देखो मैंने सीधा किया तो ये सीधा हो गया, ओके। तो ये आपको जायरो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अरे हाँ, तो एक बार एग्जिट करते हैं,
तो यहाँ पे और क्या क्या आपको चीज मिलती है, सर्विस बटन मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं, ये जुपिटर करके, ये इनका ही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, SIOT, ये भी इनका ही एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये दोनों आप अनेबल और डिसेबल यहीं से कर सकते हो। ये आपको वेब के थ्रू, जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे ना, तो ये वेब के थ्रू आपको दिखाएगा। फाइल शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ऑटो बूट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे डिसेबल और अनेबल आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके नीचे मिल जाता है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे टाइप सी का ऑप्शन आ रहा है, टाइप सी की ये डिफॉल्ट टाइप ही रहेगी। वायरलेस, ये मेरे वाईफाई का IP एड्रेस है। यहाँ से चलो एक्सिट करते हैं। अब नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे एक हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, यहाँ से आप हॉटस्पॉट और अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिखा रहा है मुझे, CPU यूसेज दिखा रहा है, 6.5% चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। एंड मेमोरी यूसेज आप देख सकते हो, यहाँ पे 44% यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे HDD यूसेज है, HDD यूसेज मतलब मेरा स्टोरेज कितना यूज हो रहा है। यहाँ से एग्जिट करते हैं, अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे टच कैलिब्रेशन है, टच कैलिब्रेशन जब आप इसको नया लोगे तो जब इसको सेटअप करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको टच कैलिब्रेशन करना होगा। टच कैलिब्रेशन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। ये टच कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आपको टैप 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 एंड टैप, यहाँ पे टैप टैप करके एक रिस्टार्ट लेगा, उसके बाद ये टच कैलिब्रेट कर देगा। हाँ देखो रिस्टार्ट हो गया, यहाँ पे टच हो गया सेट। एंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, टच कैलिब्रेशन के नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड चाइनीज आपको इसमें मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस। यहाँ पे ये तो आपको इंटरफेस मिल जाता है इसका। एंड अब इसमें आपको एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, एंड इसमें आपको बता देता हूँ प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करनी है। एंड प्रोग्रामिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे नेटवर्क इन्फो में मैं जाके देख लेता हूँ मेरा IP एड्रेस। मेरा IP एड्रेस जो ये है, 168.192.168.29.91, ये मेरा IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस को मैं अपने किसी भी ब्राउजर में, या फिर फोन के ब्राउजर में, या फिर अपने डेस्कटॉप के ब्राउजर में डालूंगा तो मेरे पास एक इंटरफेस आएगा। तो चलो फिर डायरेक्टली उस इंटरफेस पे चलते हैं, इसको यहाँ पे लगे हुए रहने देते हैं। तो जो मेरे को IP मिली थी, मैं वो यहाँ पे डालता हूँ, 192.168.168.29.91। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले से खोला हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है 168.29। यहाँ पे ये होम पेज आपका खुल गया है। ये आपका लोकल सर्वर का है, कोई भी इंटरनेट का नहीं है। बिना इंटरनेट के भी आप ये चला सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये जो वेब होस्ट खुला है वो आपका इस यूनी हाइकर के बोर्ड से खुला है। ये यूनी हाइकर का बोर्ड जो है, उससे ही ये वेबसाइट अभी खुली है। तो यहाँ पे दो सर्विस टॉगल बटन्स हैं, दोनों के स्टेटस अनेबल है, मतलब दोनों पे ही हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये SIOT पे भी और ये जुपिटर के नाम पे भी। एंड यहाँ पे कुछ नेटवर्क सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप अपना वाईफाई एंड मतलब वाईफाई को सेट कर सकते हो। यहाँ पे SSID एंड पासवर्ड डाल के इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई पाइथन की फाइल है, कोई प्रोग्राम आपको रन करना है, तो यहाँ से आप सिंपली उसको अपलोड कर सकते हो। ये अपलोड जहाँ पे होगा, ये रूट, मैंने आपको फोल्डर दिखाया था पीछे वीडियो में, वो उस वाले रूट वाले, उसमें ये जाके सेव होगी, वहीं से आप इसको डायरेक्टली रन करके देख सकते हो। एक बार आपको ये जुपिटर, ये मतलब जो प्रोग्रामिंग के लिए जो इन्होंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। ये पेज ओपन करते हैं, ये यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आप न्यू में जाके, पाइथन पे जाके, यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे कोड को राइट कर सकते हो। कोड राइट करने के बाद आप सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो आपका एग्जीक्यूट आपके यूनी हाइकर के बोर्ड में डायरेक्टली हो जाएगा। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा आ चुका है, यहाँ से आप आराम से कोडिंग डायरेक्टली कोड यहाँ से कर सकते हो। ओके और वो जो फाइल्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके सेव हो जाएगी, वो आपके यूनी हाइकर के बोर्ड में भी सेव होगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ से ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर जरूर करेंगे। एंड बात रही प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स मेरे आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ इस पे प्रोजेक्ट्स भी बना के आपको दिखाऊंगा, इसमें कोड कैसे करना है।
एंड वन मोर थिंग, इसका एक आपको एप्लीकेशन मिलता है जो इन्होंने मेरे को मतलब प्रोवाइड किया है, वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक माइंड प्लस नाम से एक एप्लीकेशन मिलता है, इसमें आप एनिमेटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये DF रोबोट का ही और या मतलब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से आप सिंपली कोड्स को ब्लॉक कोडिंग, हाँ बेसिकली ब्लॉक कोडिंग के थ्रू, जैसे ये ब्लॉक है उठा के मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा टर्न 50 डिग्री, 50 स्टेप, 15 स्टेप्स, ऐसे मतलब ये आप इस जैसे ये ग्राफिकल रोबोट है उसको उसको रन कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे। आप जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपका अगर कोई बेबी है, आपका कोई बच्चा है 4th 5th क्लास में, तो उसको अगर आप इनिशियल स्टेज पे प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हो तो कितना बेनिफिशियल होगा उसके लिए। आप ये जस्ट थिंक अबाउट दैट, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, यहाँ से कुछ लर्निंग के ऑप्शंस हैं, इनके खुद के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो जाके देख सकते हो। तो आप देखो कि बच्चा कितना ज़्यादा इसे सीखेगा। एक बार आपको इसकी इनकी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ कि कितने का आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी वेबसाइट है, $79 का आपको ये बोर्ड पड़ता है। आफ्टर इंडिया शिपिंग आपको अराउंड अराउंड ये $100 का पड़ेगा। $100 अराउंड हो गए आपके 8,000 के अराउंड। तो देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 8,000 में ये डील कोई बुरी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, प्रोग्रामिंग इनिशियल स्टेज पे सिखाना चाहते हो, प्रोग्रामिंग हो गई, IoT के बारे में हो गया, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। आपको अपने बच्चे को स्कूल स्टेज में ही ये चीज़ सिखानी चाहिए कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। यहाँ पे देख सकते हो कि गेम्स वगैरह बना सकते हैं। 2.8 इंच की टच स्क्रीन है यहाँ पे बता रखा है, डायरेक्टली आप प्रोग्राम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको दोनों के बारे में पता चलेगा। IoT सर्विसेज है, ऑन डिमांड डेटा है, ये सब आप देख सकते हो। ये वायरलेसली कनेक्ट हो रखा है अभी, जैसे मैंने अभी वायरलेसली इसको कनेक्ट कर रखा है, मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, मैंने सिंपली एक पावर बैंक से कनेक्ट करके वायरलेस के इसको इसको एक्सेस कर रहा हूँ। आप सिंपली इसको अपने डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, VS कोड के थ्रू भी कर सकते हो, इनका जो ऐप है माइंड प्लस उससे भी इसको प्रोग्राम कर सकते हो, नोड रेड से भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो देखो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है आपकी इसमें। लिनक्स और पाइथन, पाइथन की प्रोग्रामिंग इस पर कर सकते हो, लिनक्स की प्रोग्रामिंग इस पर कर सकते हो, क्योंकि इस पर डेबियन ऑलरेडी चल रहा है, डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड है वो। तो सिंपली आप ये सब कर सकते हो। एंड एप्लीकेशंस देखो, आप IoT डिवाइसेस बना सकते हो, इससे रोबोट्स बना सकते हो, आपसे कितना कुछ आगे कर सकते हो। आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। अगर आपको इवन कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या फिर आपको स्कूल प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो सिंपली आप इसकी तरफ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट IoT डिवाइस मुझे लगा, आर्डिनो से तो बहुत ज़्यादा बेटर है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे आर्डिनो से ही बेटर लगा। काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, आर्डिनो से बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। रेसबरी पाई से थोड़ा पावरफुल कम है, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो एक मेन एडवांटेज है इसमें, कि आपको एक डिस्प्ले मिलती है, यू कैन यूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने अपना ही OpenAI ChatGPT की तरह एक वो बना रखा है प्रोजेक्ट, ये बना सकते हो। देखो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ह्यूमिडिटी वाला, यहाँ पे देख सकते हो, पेट पॉट नॉट योर ऑर्डिनरी प्लांटर, ये अपना अपना आपके सॉइल का मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, आपको बताएगा इसको पानी कब देना है। तो देखो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे आपको एक और प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये रोबोट का प्रोजेक्ट दिख रहा है, मतलब आप देखो कितना इससे सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बात रही प्रोजेक्ट्स की कि इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या क्या कैसे बना सकते हैं, IDE मैंने आपको दिखा दिया इसका, इसका जो माइंड प्लस ऐप है इससे भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, VS कोड से भी प्रोग्राम कर सकते हो। एंड तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रिलेटेड, हाँ प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलता रहेगा। एंड आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताया करो, मैं बहुत वेट करता हूँ आपके सजेशंस का। वीडियो को कोई सजेशन हो, आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपके लिए वीडियो आगे बनाता रहूँगा। तो अपने मोटो के साथ चलते रहेंगे, सीखते रहो सिखाते रहो। यहाँ पे अब ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।